Hey guys and welcome back to another video. क्रेटा का किलर सिर्फ एक ही गाड़ी है पूरे इंडियन मार्केट कॉम्पैक्ट एसयूवी में। सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है जो आज तक क्रेटा का मार्केट हिला पाई है, वो है किया सेल्टोस। और अब किया लेके आने वाले हैं उसका फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में। किया सेल्टोस फेसलिफ्ट ऑलरेडी बाहर के मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। और आपको एक फन फैक्ट बताऊँ, किया और ह्युंडई एक ही कंपनी है, पर न्यू किया सेल्टोस के अंदर ऐसे फीचर्स आने जो इंडिया में आपको लग्जरी गाड़ियों के अंदर मिलेगा। इंटीरियर में वो मैं आगे चल के बताता हूँ। एक्सटीरियर की बात करी जाए तो आपको न्यू फेसलिफ्ट मिल रहा है और साथ ही साथ एक न्यू इंजन देखने मिल रहा है। न्यू सेल्टोस आपको 5 वेरिएंट्स में देखने मिल जाएगी, HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस और GTX प्लस जो आपका टॉप मॉडल होगा, वही HTE आपका बेस मॉडल। बात करी जाए इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में तो गाड़ी की लेंथ हो जाएगी आपकी 4315 mm की, विड्थ हो जाएगी आपकी 1800 mm की और हाइट हो जाएगी गाड़ी की 1620 mm। गाड़ी का व्हील बेस हो जाएगा आपका 2610 mm का, वहीं गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा आपका 195 mm। गाड़ी के लॉन्च की बात करूं तो ये गाड़ी आपको फेस्टिवल सीजन सो अक्टूबर टू नवंबर 2023 तक देखने मिल जाएगी। वहीं गाड़ी की कीमत की बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहेगी तकरीबन 12 लाख रुपए और इसका टॉप मॉडल जाएगा 18 लाख। ये गाड़ी क्रेटा से थोड़ी सी ज्यादा महंगी चलती। गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको एक न्यू इंजन ऑप्शन मिलेगा जो कि रहेगा आपके 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर आपकी 160 bhp की, साथ ही साथ 253 nm का टॉर्क। इसकी पेयरिंग होगी आपके एक 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स और 7-speed DCT गियरबॉक्स के साथ। नेक्स्ट इंजन ऑप्शन हो जाएगा आपके 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर आपकी 113 bhp की, साथ ही साथ 144 nm का टॉर्क। इसकी पेयरिंग होगी आपके 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स साथ। आखिरी इंजन ऑप्शन जो कि इंडिया का वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग डीजल ऑप्शन माना जाता है, 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर 113 bhp, साथ ही साथ 250 nm का टॉर्क। इसकी पेयरिंग भी होगी आपके 6-speed मैनुअल और एक 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। इसमें पेयरिंग की बात करूं तो आपको 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर अपडेट में। गाड़ी का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड स्टाइल में आ रहा है। फ्रंट में आपको न्यूली शेप्ड DRL हेडलैम्प्स देखने मिल जाएंगे जो थोड़े बहुत पहले से सिमिलर रहेंगे पर अलग रहेंगे। सामने की तरफ आपको किया की बैजिंग आपके बोनट में मिलेगी। पफ्ड अप बम्पर विद अ सिल्वर एक्सेंट मिल जाएगा, ब्लैक्ड आउट ग्रिल मिलेगी और गाड़ी के सामने एक एडास का रडार भी मिल जाएगा। दैट्स राइट गाइस, इस गाड़ी में आपको एडास भी मिलता है। वहीं साइड प्रोफाइलिंग की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको सर्कुलर व्हील आर्चेस देखने मिल जाएंगे जिसके अंदर 17 इंच के बड़े बड़े डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे। गाड़ी के ऊपर की तरफ की बात करूं तो आपको रूफ रेल देखने मिल जाएगा, एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखने मिल जाएगा और साथ ही साथ देखा जाए तो नए नए कलर फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। गाड़ी डुअल टोन पेंट स्कीम में भी आएगी, इतना तो कंफर्म है। वहीं गाड़ी के बैक साइड की बात करूं, बैक साइड में आपको एक स्ट्रिप LED लाइटिंग मिलेगी जो कि कनेक्टेड होगी आपके मैट्रिक स्टाइल टेल लैंप्स। गाड़ी के ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा और नीचे की तरफ पफ्ड अप बम्पर सिल्वर एक्सेंट में और गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो गाड़ी के एक्सटीरियर में चेंज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फ्रंट LED हेडलैम्प्स में आ रहा है और टेल लैम्प में आ रहा है क्योंकि उसमें एक स्ट्रिप LED लाइटिंग कनेक्ट हो गई है। अब बात करता हूँ गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। मैंने आपसे कहा था इस गाड़ी के इंटीरियर में सबसे बड़ा चेंजेस आ रहा है इंडियन मार्केट, और वो सही बात है। इस गाड़ी के अंदर मान लीजिए आपने टॉप मॉडल लिया है सेल्टोस का ऑटोमेटिक, ठीक है, तो आपका जो जहाँ पे गियर लेवल होता है ना वो बदल के एक रोटेटरी डायल आ गया। अब आपको गियर चेंज करने के लिए सिर्फ उस रोटेटरी डायल को रोटेट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इंडिया में सिर्फ एक लग्जरी गाड़ी के अंदर ही मिलती हैं, आपको नॉर्मल गाड़ियों के अंदर नहीं मिलती। और इंटीरियर की बात करो तो और इंटीरियर अपडेट में ये रहेगा आपकी अभी भी 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलेगा जो कि एक सिंगल स्पीड पैनल पे मिलेगा। 3-spoke स्टेयरिंग व्हील विद स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और GPS नेविगेशन सिस्टम भी देखने मिल जाएगा। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इनबिल्ट एयर प्योरीफायर, एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ और भी अन्य चीज़ें जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और बहुत सारे नए फीचर्स। गाड़ी के इंटीरियर कलर फॉर्मेट की बात करूं तो इंटीरियर कलर फॉर्मेट में सबसे अच्छी बात ये होगी ये गाड़ी आपको एक क्रीम कलर, वाइट कलर और बेज कलर में देखने मिल जाएगी जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ब्लैक कलर तो वरना स्टैंडर्ड आपको बेज मॉडल में मिलेगा, बाकी सब तो इसके वैसे ही शानदार। सीट कवरिंग की बात करूं तो आपको न्यू अपहोल्स्ट्री देखने मिल जाएगी। वाइट कलर की जो अपहोल्स्ट्री वो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा एयरी लुक देती। पीछे की तरफ की बात करूंगा तो आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे और USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। वही मेरे ख्याल से आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट ना देके आपको 12 वोल्ट का गेज मिल जाएगा जो कि मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन होगा।
सुगाड़ी के इंटीरियर में भी बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अपडेट तो मैं वैसे ही नहीं बोलूंगा क्योंकि किया का इंटीरियर अपने पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर मानूंगा, उससे ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर कोई गाड़ी बनाती नहीं। अब चलते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के ऊपर। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स वैसे ही काफी सारे आ रहे हैं। गाड़ी किया की है तो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी तो आप भी जानते हैं, आपने भी वो फोटो देखी ही होगी जिसमें किया पूरी फट जाती है, तो वैसी कुछ नहीं रहेगा। एन कैप रेटिंग इस गाड़ी की कम ही रहेगी। ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर ये पहले आ रही थी, बट इस गाड़ी में एक नया चीज़ आ रही है। अब आपको इस गाड़ी में ऑनर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने मिल जाएंगे। तो गाड़ी का अगर आप HTE जो कि बेस मॉडल है अगर आप वो भी उठाएंगे तब भी आपको एयरबैग मिलेंगे, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इस गाड़ी में आपको एडास का फीचर देखने मिलता है। एडास होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। इसके अंतर्गत बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं जैसे फ्रंट कोलिजन वार्निंग, बैक कोलिजन वार्निंग, 360 डिग्री व्यू, लेन असिस्ट, लेन चेंजिंग असिस्ट और इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन ब्रेकिंग। इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन ब्रेकिंग वो चीज़ होती है, मान लीजिए गाड़ी के आगे 5 से 10 मीटर के कोई आ जाता है तो गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वायर सेंसर्स रुक जाती है, तो वो रहता है इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन ब्रेकिंग। नेक्स्ट चीज़ रहती है आपकी लेन चेंजिंग असिस्ट। मान लीजिए आपको टर्न होना है राइट, आपने अपना इंडिकेटर दिया तो जो आपका साइड कैमरा है उसके नीचे लगा कैमरा जो रहेगा वो चालू होकर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाएगा। तो जैसे ही आप टर्न कर रहे होंगे तो आपको एक व्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देता रहेगा ताकि आपका रोड से ध्यान ना हटे, तो जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ और एडवांस चीज़ है। ये चीज़ें पहली बार वॉल्वो की तरफ से लाई गई थी। अब रीजंस आप इसको दूसरी गाड़ियों अगेंस्ट, पहली बात इस गाड़ी के राइवल्स की, सबसे बड़ा राइवल Hyundai Creta, लेकिन Hyundai Creta 4 जन का फेसलिफ्ट अभी भी इंडियन मार्केट में नहीं है। फिर खुद किया सेल्टोस लोग अभी वाली लेना चाहेंगे, फेसलिफ्ट क्यों लेंगे, डिलीवरी नहीं मिलेगी वगैरह। थर्ड मारुति सुजुकी ग्रैंड विट, गाड़ी बहुत अच्छी है, साइज में बड़ी है और देखा जाए तो प्राइसिंग सेम ही पड़ती है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार दिखती है। टोयोटा हाई राइडर ब्लैक कलर में, उससे ज़्यादा शानदार गाड़ी मैंने देखी नहीं थी क्योंकि फीचर इतने ज़्यादा अच्छे और गाड़ी का लुक और ही अच्छा है। XUV700 बेस मॉडल, याद रखिए बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, टॉप एंड मॉडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप वो लेना चाहेंगे तो वो भी महंगी पड़ेगी, और मिलेगी नहीं तो मतलब क्या, महंगी तो तब से मतलब होगा ना। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इसी गाड़ी की तरफ जाना पड़ेंगे। पहले इस गाड़ी के लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, न्यू फेसलिफ्ट आ रहा है तो वैसे ही अच्छा है। इंटीरियर इससे ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर कोई गाड़ी नहीं देती है इंडियन मार्केट में। थर्ड इस गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी, गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सेम प्राइसिंग पे आती है जिस पर आपकी बाकी कॉम्पैक्ट SUV आती। तीसरी बात अवेलेबिलिटी, ये गाड़ी अगर आप खरीदने जाओगे तो एटलीस्ट आपको मिल पाएगी। XUV700 और Hyundai Creta की तरह नहीं कि आप बुक करके आए फिर उसके बाद आपसे बोला जा रहा है 6 से 8 महीने बाद आना, तभी आप खुद की पैसे की दी हुई गाड़ी पे, अभी डिलीवरी ही नहीं हो रही, ये कोई बात नहीं होती मेरे ख्याल से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इफ यू आर न्यू हियर जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और ईमेल, ओके। और अगर कुछ और चाहिए हो, इंग्लिश आना चाहिए तो गियर ऐप है, और एक बार जाके इंस्टा पे देखना यार, अच्छा कॉन्टेंट।